Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, mama. तो और भाई लोग और उसकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में, पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब इस गेम प्ले की बात क्या ही करूं, सीरियसली बोलता हूं कतई तबाही है। मतलब M16A4 मैं बहुत कम यूज़ करता हूं, मतलब नहीं कोई गन मिली तो मैं उसके बदले M16A4 यूज़ करता हूं। लेकिन इस गेम प्ले में भाई साहब मजबूरी में यूज़ करना, मतलब इतना खतरनाक तरीके से यूज़ करूंगा ना सिंगल टैप पे, सीरियसली बोल रहा हूं कतई मज़ा आ जाएगा देख के। तो बिना बकवास के ना ये गेम प्ले शुरू करता हूं। और इसी के साथ मैं उतर चुका हूं रोज़ॉक में, और भाई साहब के नाम पे मुझे मिल चुका है ये गमछा सिर्फ। हाँ मतलब मुझे ये पूछना है तुम लोगों से कि पावर रेंजर कब से गमछा पहनने लगा भाई, ये उजला गमछा बांध रखा है इसने। हाँ वो तो भला हो ऊपर वाले का कि इस तहखाने के अंदर है ना एक यूजी पड़ी मिल जाती है। मुझे तो किसी तरीके से एक लौंडे को तो भाई साहब रस्ते में ही नॉक कर देता हूं, लेकिन दूसरा लौंडा मेरे सर के ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था तो उसको भी आसानी से फिनिश करते हैं। लेकिन अब सामने वाले घर में आ चुका है एक लौंडा और अपने पास है एक नेट, और उससे भी बड़ी चीज नेट फेंकने की सस्ती स्किल्स। तो भाई साहब करते हैं बर्बाद, नेट को फेंकते हैं। और भाई साहब कतई जहर, सीरियसली मैं जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया ना तो बस ये देखने के बाद लाइक का बटन दबा दो, और चिंता मत करो ऐसे ऐसे सीन आज भयंकर भयंकर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं नीचे चला आता हूँ और अपने को गन चाहिए क्योंकि अपने पास सिर्फ एक यूजी पड़ी हुई है और लौंडे यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो उसी के साथ मैं इधर पहुँचता हूँ, जैसे ही पहुँचता हूँ भाई साहब मुझे सुनाई देती है फुटस्टेप, तो लौंडे को ढूंढना पड़ेगा। अब कहानी ऐसा था कि एक लौंडा कर चुका था कैंप, वो भी शॉटगन पकड़ के टूटे हुए दीवार के पीछे, और वो लौंडा मुझे साफ दिख रहा था। मैं बोला क्या कैंप करेगा रे तू, और उसको तो मैं आसानी से नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी उधर से फुटस्टेप आने लगते, तो मुझे लगता है कि उसका दूसरा पार्टनर आ रहा है भाई साहब मारने के लिए, तो मैं कवर लेता हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है निहत्ता कोई बॉट है, तो भाई साहब मैं बॉट को मारने की कोशिश करता हूँ, तभी मेरे ऊपर फायर होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये तो लौंडा बॉट है लेकिन उसका दूसरा पार्टनर कोई और है, तो मैं बोलता हूँ बॉट को छोड़ो, बॉट की मौसी को पकड़ो, क्योंकि बॉट को मारने के चक्कर में मौसी जिंदा रह गई ना, तो वो मौसी कबीरा बनके तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगी। और इसको मारने के बाद ही मेरी तकलीफ दूर हो जाती है भाई साहब, क्योंकि इससे मुझे मिल जाता है M16A4 और M762 मतलब बैरल, दोनों गने मिल जाती है। और भाई साहब दोनों गने उठाता हूँ और सीधा मैं पहुंच जाता हूँ उस तरफ रोज़ॉक के उस वाले घर जहाँ पे दो तीन घर है, इस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से लौंडे गोली चला रहे थे, अपने पे लगती नहीं है लेकिन चला रहे। तो भाई साहब मैं सेफ एरिया में जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही पहुँचता हूँ वहाँ पे लौंडे हमारे पीछे पीछे भी आ जाते हैं वहाँ पे। तो देखो यार क्या ही तबाही होने वाली है, किधर किधर लौंडे हैं। अब यहाँ पे जितने भी लौंडे आए थे भाई साहब सारे के सारे मारे गए हैं, लेकिन पहले जो सबसे पहला लौंडा जो आया था वो अभी तक जिंदा है, तो सबसे पहले उसको मारना है किसी तरीके से। तो मैं कोशिश करता हूँ मारने की, देखो अब
अब वो लौंडा होता है बहुत चालाक, तो क्या करता है कि रीच का कवर लेके किसी ना किसी तरीके से वो लेफ्ट में चला जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, तो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ेंगे तो अलग सा एंगल मिलेगा, लौंडा पता चल जाएगा कि कहाँ पे है, रीच के पीछे भी होगा तो आराम से मार दूंगा। लेकिन भाई साहब मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कितनी बार कोशिश करता हूँ लेकिन चढ़ ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों बहुत जगह पर चढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई चढ़ा आज तक, तो प्लीज़ बताना, या फिर ये घर में आप नहीं चढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है तो ज़रूर बता देना कॉमेंट सेक्शन में मुझे। तो उसके बाद चढ़ नहीं पाता तो मैं एंगल ढूंढने लगता हूं, लेकिन लौंडा कहीं और होता है। तो भाई साहब अब ये लौंडे को कोई डर ही नहीं है भाई साहब, मतलब छत के ऊपर खुलेआम चढ़ के लौंडा इधर उधर घूम रहा है। तो बता दूं लौंडे कि किसी के पास गन भी होता है और स्कोप भी होता है, तो तुम्हारी गंडिया में गोली मार सकता है वो। तो भाई साहब को 2-3 हिट मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन लौंडा बच जाता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, घर में कवर ले लेता है। उसके बाद भाई साहब मुझे दिखता है एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, मतलब मेरे लेफ्ट में आके रुक जाती है। अब उसमें एक बंदा है, दो बंदा है, नहीं पता मुझे, लेकिन गाड़ी रुक गई है, तो देखते हैं क्या ही माजरा है। अब एक बंदे को तो मैं नॉक करके पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ, लेकिन दूसरे बंदे को भी मैं 2 हिट मारता हूँ, लेकिन तीसरा गोली लगता तो शायद वो लौंडा भी मर जाता, लेकिन वो तभी लेट जाता है। भाई साहब यहाँ से कोई एंगल नहीं मिल पाता मेरे को मारने का, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वो उठेगा। तो अब ये लौंडा तो कवर में जा चुका है, लेकिन उसके तुरंत बाद राइट से भी फुटस्टेप आने लगती है, तो देखते हैं कौन लौंडा है और कहाँ जाना चाहता है। और यहाँ पे होता ऐसा है ना कि मतलब दोनों लौंडे आपस में ही लड़ लेते हैं, और एक बंदा तो नॉक भी हो जाता है लेकिन दूसरे बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। मतलब ऐसा होता है कि घुमा फिरा के दोनों किल मुझे ही मिल जाते हैं, और मैं सोचता हूँ 15 किल हो चुके हैं, रोजॉक खाली हो चुका होगा, तो मैं स्मोक करता हूँ पेटी के ऊपर कि पेटी लूटे और यहाँ से निकले। तभी पता चलता है जो छत के ऊपर जो बंदा था ना हवा ले रहा था, उसको फिर से गर्मी लगने लगता है, तो चलो यार उसके लिए एसी वेसी लाएं, फिर से लौंडा छत के ऊपर आ चुका है। तो अब जाके इस लौंडे की गर्मी शांत होती है और लौंडा लॉबी पहुंचता है। उसके बाद भाई साहब जोन भी आ चुका है अपने ऊपर, 16 किल हो चुके हैं मेरे और लौंडे बचे हैं सिर्फ 12। तो मैं निकलता हूँ फटाफट, गाड़ी उठाता हूँ और सीधा यहाँ से निकलता हूँ जोन के अंदर, और जोन के अंदर मैं पहुंचता हूँ, फिर दूसरा जोन बन जाता है, तो मैं दूसरे जोन के अंदर पहुंचता हूँ, फिर तीसरा जोन बन जाता है, मैं तीसरे जोन के अंदर पहुंचता हूँ, लेकिन लौंडा मुझे एक भी नहीं मिलता है सीरियसली में। और पता नहीं कैसे ठिलठिला जाते हैं और बचते हैं सिर्फ अपोजिट में मेरे 4 लौंडे। और भाई साहब एक ड्रॉप मिल जाता है, ड्रॉप के पास भी जाता हूँ, कोई लौंडा आता नहीं, तो वहां से मुझे लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट मिल जाती है। उसके बाद मुझे यहां से फुटस्टेप आता, तो मुझे लगता है कोई बंदा या तो सांप बना हुआ है या फिर शैक के अंदर है कोई बंदा। तो एक बार मैं गाड़ी राउंड घुमाता हूं लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं है, तो मैं रिस्क ना लेके झोपड़े के पास लगाता हूं गाड़ी और अंदर जाके देखने की कोशिश करता हूं कि लौंडे हैं कहां पे आखिरकार। तो मुझे लगता है कि शैक के अंदर है बंदा, उछल रहा है वो, बार बार कूद रहा है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे बग्गी जो है ना जली हुई थी, लौंडा फंस चुका है अंदर से बाहर आ नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, गाड़ी उठाने की कोशिश करता हूं, गाड़ी उठा के जाने की वहां पे कोशिश कर ही रहा होता कि लौंडा फायर कर देता है। देखो फिर मैं हील करता हूँ और एक स्मोक करता हूँ गाड़ी के पास और गाड़ी उठाता हूँ और सीधा शैक के पास जाने की कोशिश करता हूँ। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, मतलब शैक के पास पहुँचता हूँ लेकिन तभी जोन भी आ चुका होता, तो मैं रिस्क ना लेता हूँ कि जोन से मैं ठिलना नहीं चाहता, तो भाई साहब उसको जोन से आराम से ठिलने दो, मरेगा मरेगा, एक किल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाड़ी उठाता हूँ, सीधा मैं जोन के अंदर पहुँच जाता हूँ और भाई साहब ये शैक के, इस शैक के अंदर मैं फंस जाता हूँ फिर, और जोन फिर से छोटा हो जाता है। और भाई साहब मैं बोलता हूँ कभी तो साथ दे दिया करो, मतलब कभी एक आध बार नहीं, कभी नहीं, जोन कभी साथ किसका साथ देता, मतलब उधर देख लो लौंडो का मतलब छोटा सा घर है, उसी घर में बार बार जोन बने जा रहा है। मैं बोला बहुत बढ़िया, तुम लोगों के पास पूरा का पूरा कवर लेके रखो, और बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव प्लेयर क्या बोलते हैं कि जिधर कम बंदे होते हैं उधर जोन ज़्यादा बनता है। तो भाई साहब मैं तो अकेला हूँ, उधर तो 3 बंदे हैं, उधर क्यों जोन बन गया भाई, बताओ बताओ क्यों बन गया जोन। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है भाई साहब, सीरियसली बोलता हूँ, जोन कहीं पे भी बन जाता है, कुछ भी हो जाता है, और लेकिन मुझसे बहुत दूर बनता है, ये गारंटी होता है। और भाई साहब मैं गाड़ी उठाता हूँ, जैसे ही गाड़ी उठा के जोन के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, तभी देखता हूँ तेल खत्म हो गई, तो भाई पैदल ही भागना पड़ता है, किसी तरीके से लेटता हूँ और मुझे सामने बंदा दिख जाता है, तो मैं उठ के मारने की कोशिश करूँगा अभी, देखो।
और भाई साहब मैं किसी तरीके से बच बचा के, मतलब जोन से थोड़ा बचता हूँ, उसकी गोलियों से थोड़ा बचता हूँ, किसी तरीके से रीच वीच का कवर लेके बच बचा के जोन के अंदर आता हूँ और जोन फिर से मेरे से दूर हो जाता है। मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, मतलब कतई जहर, सीरियसली मैं, मतलब ऐसा करो, बोलो उन दोनों को लल्लू लाल लो थाली लो बैठो, चिकन उसके थाली में परोस दो और बोलो कुछ और चाहिए बेटा, ग्रेवी वगैरह लेगा, चावल लेगा, राइस लेगा, सैलेड लेगा, बहन शोद। अब मेरे पड़ोस वाला भी लौंडा ठिल चुका है भाई साहब, अब बचे हैं सिर्फ मेरे अपोजिट में दो लौंडे और दोनों एक ही टीम के हैं। और मैं क्या करता हूँ, इस पत्थर का कवर लेता हूँ क्योंकि जोन अपने पे नहीं है, तो भाई साहब अगला पत्थर जाना पड़ेगा मुझे, अगला पत्थर से भी आगे जाना पड़ेगा। तो मैं एक स्मोक फेंकता हूँ और भाई साहब जाने की कोशिश करता हूँ कि रश करूंगा, मतलब कहीं से कवर लूंगा, लेकिन लौंडा दोनों पहले ही मुझ पर रश कर देता है, फिर देखो क्या होता है। और इसी के साथ मैं मारा जाता हूँ भाई साहब, क्योंकि आधा से ज़्यादा हेल्थ तो मेरा जोन खा जाता है। दूसरी बात, मतलब वेस्ट के नाम पे मेरे पास पूरी की पूरी लाल शरीर थी, छाती लाल थी, मतलब पूरा वेस्ट तो गायब था, सीरियसली बोल रहा हूँ। और जो मैंने नेड फेंका वहाँ पे, वो एग्जैक्टली लौंडे के पास गिरा था, मतलब एक सेकेंड भी यदि लेट होता ना वो लौंडा तो आराम से चिकन डिनर मेरा था, सीरियसली बोल रहा हूँ कसम से। मतलब आप जाके बैक जाके देखो, जैसे ही वो मेरे को मारता वैसे ही नेड फटता, वो लौंडा बच जाता है नेड फटने की वजह से भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके का मजेदार वीडियो हर रोज आप तक पहुंच पाए। तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जाओ वहां मुझे फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वो सारी चीज आप वहां पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो मेरे से, और मेरे सारे अपडेट आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को सारे पबजी लवर्स के साथ शेयर कर दो प्लीज, और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।